नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल टेक्निकल उत्कर्ष में। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने आधार कार्ड से अपना पैन कार्ड नंबर कैसे लिंक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आधार को पैन से लिंक कैसे करें, तो यह प्रोसेस बहुत आसान है। SMS के जरिए आप अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दो नंबर दिए गए हैं। तो पहला है 567687, तो और दूसरा है 561661। तो आप सबसे पहले आपको नीचे दिए गए फॉर्मेट में SMS करें। तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं कैसे आपको SMS करना है, तो आप उस तरीके से SMS कर सकते हैं। तो आप जाके हमारे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए ये SMS कैसे किया जाता है, तो आप वहाँ से जाके SMS कर लीजिए। तो हम आपको बताते हैं कि पहले जो हमने स्पेस दिया है उसमें आपको 12 डिजिट का अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, और दूसरे स्थान में आपको 10 डिजिट का पैन नंबर डालना है। तो अगर आपका नाम गलत हो गया है या आपका जन्मतिथि या कुछ भी गलत हो गया है, तो आप इसके लिए कंफर्मेशन आपके मोबाइल पे एक आएगा। आपके पास एक मैसेज के आधार से एक आधार OTP आएगा, लेकिन जन्म तारीख या लिंग गलत है, तो इसके लिए आपको पैन कार्ड के नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड वेबसाइट और आधार के लिए UIDAI के पोस्टल पर जाकर ठीक कराना होगा। तो ये आपके मोबाइल से नहीं ठीक होगा, लेकिन आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक हो सकता है मोबाइल से। तो हमने आपको बता दिया है, आप वैसे ही लिंक कर सकते हैं जैसे हमने बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।